इस पट्टी का नाम क्या है? टाइटल वार। ऊपर वाले पट्टी का क्या नाम है? टाइटल वार। और नीचे वाला जो ये पट्टी देख रहे हैं, ये वाला पट्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टास्क वार। क्या कहते हैं? नीचे वाले को टास्क वार। ये ऊपर वाले पट्टी को क्या कहते हैं? टाइटल वार। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, नहीं तो इसका भी अलग काम होता है, इसका अलग काम होता है। जैसे कहेंगे आपको टाइटल वार पे लेफ्ट बटन को दबाइए और आगे पीछे खींचिए, तो ये आपका मूव करने लगेगा। एमएस वर्ड का जो चैप्टर है वो क्या मूव करने लगेगा, ठीक है। हम लोग इसमें मूव करने का देखिएगा, एमएस वर्ड को हम चाहते हैं आधा पार्ट में बांट दें। तो सबसे पहले एमएस वर्ड चल रहा है तो उसको तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कैसे इसको आधा पार्ट में बांट देंगे। जैसे इसको ओपन कर लिए तो हम जैसे ही आधा पार्ट में, हम चाहते हैं जो दो विंडोज खुला हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो विंडोज खुला हुआ है, एक विंडोज दो विंडोज, हम चाहते हैं स्क्रीन पर दोनों पार्ट को अलग अलग में रख दें, जिससे कि इसमें यदि कोई चीज लिख लिया कॉपी के पेस्ट करने में हमको ज्यादा सहूलियत हो। जैसे आपने एक नोट बना के रख लिया है एमएस वर्ड में, आप चाहते हैं उसमें से हम कुछ संशोधित करके अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक एमएस वर्ड के दूसरे पार्ट में लिख दें, वैसी स्थिति में हम लोग को दो पार्ट में करना पड़ता है। तो इस टाइटल वर्क के प्रयोग से हम लोग इस पट्टी को ले जाएंगे, उठा के माउस के लेफ्ट बटन को खींचते जाएंगे और इस पट्टी के अंतर्गत इधर सटा देंगे, इधर इस पट्टी में, लेफ्ट की पट्टी में। जैसे ही लेफ्ट की पट्टी में सटाएंगे तो आधा भाग में ये आपका बंट जाएगा, देखिए बंट गया। अब दूसरा जो आया, इस पट्टी को पकड़ के हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आधा पार्ट में बंट गया, दोनों आधा आधा पार्ट में बंट गया। अब क्या होगा, इसमें जो टॉपिक हम लिखे हैं हम चाहते हैं इस नए वाले विंडोज में हम डाल दें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें लिखते हैं, लिख के आधा को छांट छांट के आप लिख रहे हैं, तो हमको इस विंडोज का भी जरूरत पड़ेगा, ये पुराना वाला को। चलिए इस पिक्चर को हटा के लिख ही देते हैं, जैसे इसको हम लिख दिए हैं, ठीक है, इतना पैराग्राफ है। आपको लग रहा है इसमें से हमको छांट छांट के इसमें डालना है, तो आपको दो विंडोज खोल लिए, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, या राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और इसमें नए वाले टैब में जाके पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। देखिए ये टॉपिक हमको जो विंडोज था फर्स्ट वाला, दूसरे विंडोज में हम ला दिए, तो इसके लिए हमको ये टाइटल बार का प्रयोग किया जाता है, इस पट्टी को ऊपर में रखने के लिए। अब आप लोग को हम बता रहे थे कि ये चैप्टर फर्स्ट विंडोज सेव है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें राधा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है राधा के नाम से कहीं ना कहीं फाइल फोल्डर में सेव है, ये राधा के नाम से सेव है। इसीलिए जब हम लोग फाइल पे जाते हैं और सेव करते हैं तो इसीलिए हमको ऑप्शन देता ही नहीं, राधा में जाके सेव हो गया। अब इसमें हम कुछ और डालेंगे, जैसे इसमें और कुछ लिख लेते हैं, इसमें और टॉपिक लिख लेते हैं, अब फिर जाके फाइल में जाके सेव कर देंगे तो ये फिर जाके कहाँ पे सेव हो गया, राधा में ही जाके सेव हो गया। तो ये सेव करने का तरीका आप समझ लीजिए कैसे हुआ। लेकिन आपको देखिएगा एक विंडोज और लिए थे, यहाँ पे ये जो विंडोज है इसको फुल स्क्रीन करने का तरीका देखिए, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे जब क्लिक कर दीजिएगा फुल स्क्रीन हो जाएगा, इस पे फिर क्लिक कीजिएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग को कभी कभी इस पट्टी पे भी डबल क्लिक कीजिएगा तो छोटा होगा बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन पता चल रहा है देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो बड़ा हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब एक बॉक्स में यहाँ पे देखिए डबल बॉक्स नहीं लगा हुआ, अब देखिए डबल बॉक्स लग गया, ध्यान दीजिएगा डबल बॉक्स है यहाँ पे, देखिए डबल बॉक्स है, और जब एक बॉक्स आएगा तो छोटा रहेगा, और डबल बॉक्स रहेगा तो समझिएगा फुल स्क्रीन, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए अब इसमें हम लोग जाते हैं फाइल में और सेव करते हैं, तो देखिए अब ऑप्शन देगा, ऑप्शन दिया सेव करने का। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि पहले से ये चैप्टर सेव है ही नहीं, जब पहले से सेव नहीं रहेगा तो आपको सेव करने के लिए ऑप्शन देगा, पहले से सेव रहेगा तो आपको ऑप्शन नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेव करने का। अब ये जैसे ही सेव करने का ऑप्शन देगा तो लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, ये आपका ड्राइव से संबंधित है, यानी कि स्टोरेज होता है जिसको मेमोरी कहते हैं। इसमें 1000 GB लगा हुआ है, 1000 में डायरेक्ट हम सेव कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट यदि सेव कर दीजिएगा क्या होगा, इसे डायरेक्ट सेव करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहां पे सेव कर रहे हैं, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। इसके लिए हम लोग को लोकेशन देना पड़ता है कहां पे सेव करना है, तो हम यहां पे इसको सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, कहां पे क्लिक कर देते हैं डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए सेलेक्ट हो गया है, पता चल रहा है सेलेक्ट हो गया। और यहां पे है फाइल नेम, फाइल नेम आपको देना होगा, फाइल नेम नहीं दीजिएगा पता कैसे चलेगा, यदि आप भूल गए कल के डेट में बायोडाटा बना रहे आप भूल गए बायोडाटा के नाम से सर्च सेव करके रखिएगा, तो कभी सर्च मारिएगा भुला जाइएगा कहाँ पे रखे हैं, एक दो महीना छः महीना के बाद तो आपको बायोडाटा लिखा हुआ है तो आपको याद आ जाएगा हम बायोडाटा के नाम से सेव किए हैं। तो उसको क्या करना है, आपको बायोडाटा के नाम से लिख दीजिए, या राम के नाम के मोहन अपना नाम ही से लिख दीजिए, जो भी लिखना है आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं MOHN मोहन लिख दिए, मोहन के नाम से सेव हो जाएगा, कल के डेट में हम भूल भी जाएंगे मोहन के नाम से सर्च कर लेंगे,
ठीक है, न आपका फाइल लोकेशन याद है और न नाम याद है, कितना ढूंढने में आपको दिक्कत होगा। यदि 2 GB की मेमोरी में आपको 200 गाना दे दिया जाए और उसको कह देंगे आपको ये गाना ये सॉन्ग सुनाइए, तो आप एक बार में सुना दीजिएगा, नहीं सुना पाइएगा, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा, 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। इसमें तो 1000 GB है, आप डायरेक्ट सेव कर दिया, कहाँ पे सेव हुआ ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, सेव का मतलब यही होता है हमको लोकेशन को देखते हुए सेव कर देना, तब ना उस जगह पे जाके, जैसे एक पेन लेते हैं आप, इस टेबल पे इस रूम में आपको पेन को रखे, अकल के डेट में उस रूम में ढूंढिएगा, कभी मिलेगा, तो वही ऑप्शन यहाँ पे सेव में आता है। चलिए, सेव का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मोहन डॉक्यूमेंट में जा रहा है और मोहन के नाम से जा रहा है। अब सेव कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हटा देंगे डेस्कटॉप आ जाएगा, कल हो के आप सिस्टम को ओपन कीजिएगा तो उसको ढूंढिएगा जो आप लिखे हैं। तो कहाँ पे जाइएगा, माय कंप्यूटर पे या दिस पीसी पे क्लिक कर लीजिएगा, कहाँ पे रखे थे वो तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा, कहाँ पे रखे थे, डॉक्यूमेंट में रखे थे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और देखिए डॉक्यूमेंट भी जैसे ही क्लिक किया तो मोहन नाम से वो फाइल है, इसका मतलब है सेव हो चुका है। यदि अब हम फिर से सेव करें तो ये फाइल सेव होगा, सेव वाला ऑप्शन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि पहले से सेव है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेव ऐप पे, देखिए अभी सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव वाला ऑप्शन नहीं देता, वही सेम ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का मतलब होता है बार बार आपको ऑप्शन लाना, कभी कभी ऐसा भी होता है मोहन नाम से हम सेव कर दिए एक फाइल को, दूसरे आप मान के चलिए लेटर बना रहे हैं, एक मोहन नाम से लेटर बना लिए तो मोहन के नाम से सेव कर दिए, अब सोहन नाम से लेटर बना लीजिएगा तो सोहन के नाम से सेव कीजिएगा, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, फाइल पे जाइएगा, मान लेते हैं ये सोहन के नाम से है, सोहन के नाम से आप ये फाइल बनाए, वहां पे पहले मोहन बनाए थे, अब क्या बना रहे हैं सोहन के नाम से। लेकिन एक चीज समझिए, मोहन सोहन के नाम से बनाए तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो मोहन में ही जाके सोहन सेट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये जैसे अभी सेव करेंगे तो नाम नहीं चेंज होगा, देखिए यहाँ पे मोहन है ना, मोहन है यहाँ पे, तो मोहन में ही जाके सेट हो जाएगा सोहन, यानी कि ये लेटर सेट हो जाएगा। आप क्या करें, मोहन का भी लेटर रहे, इसमें क्या हो गया, आप सेव जो कर दिए तो मोहन का नाम रहेगा लेकिन लेटर कौन रहेगा, मोहन को खोलिएगा तो सोहन दिखाएगा, हमको तो सोहन को भी रखना था, मोहन को पता चल रहा है मोहन हट जा रहा है, सोहन आ जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे इसमें हमको चार है, आपका इच्छा हो गया हम मोहन के नाम से लेटर बनाए तो मोहन के नाम से हो जाए, सोहन के नाम से लेटर बना रहे सोहन के नाम से हो जाए, जिसके नाम से बनाए उसके नाम से हो जाए। उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, सेव एज का। सेव एज में ये फंक्शन रहता है, बार बार आपको ऑप्शन देगा, किसी का ऑप्शन देगा, सेव करने का ऑप्शन देगा। तो देखिए अभी अभी सेव कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है ऑप्शन, अब जब जैसे इसको कॉपी कर लीजिएगा सोहन को, ठीक है, सोहन को कॉपी कर लिए, फाइल में गए, सेव एज पर क्लिक किए, जैसे ही सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन जैसे ही देगा तो ऑप्शन जैसे ही देगा तो आपको सेव कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो फिर वही काम करना है आपको, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, मोहन को क्लिक कर देना है इस पे, और इसको बैक स्पेस से हटा भी देना है, नहीं हटाना है तो देखिएगा सेलेक्ट हो गया है तो कंट्रोल भी कर देना है, क्योंकि सोहन लिखा गया, क्योंकि सोहन के फाइल से ही हम क्या किए थे, कॉपी कर लिए थे, इसीलिए यहाँ पे हमको नाम भी नहीं लिखना पड़ा, कोई दिक्कत है। अब जब सेव करेंगे तो ये किसके नाम से हो जाएगा, सोहन के नाम से। अब यहाँ पे लिख देते हैं RAMAN रमन, अब रमन का लेटर हम एक ही चिट्ठी बनाए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सब विद्यार्थी हैं सबके नाम से हम एक ही चिट्ठी को दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सिर्फ नाम ही चेंज करेंगे। उसी तरह ऑफिस में आएगा, एक चिट्ठी को 25 जगह भेजना होगा तो 25 जगह 25 का नाम लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉपी कीजिएगा, फिर सेव करना है या सेव एज करेंगे ये बताइए, सेव एज। सेव एज का मतलब डुप्लीकेट फाइल बना देना होता है, ठीक है, डुप्लीकेट सेव एज। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग को ये लोकेशन बार बार देख लेना है, सो जाता है कि नहीं डॉक्यूमेंट में, यहाँ से हमको पता भी चल रहा है डॉक्यूमेंट में जा रहा है कि नहीं। देखिए दिस पीसी लोकल डिस्क सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसका मतलब डॉक्यूमेंट में जा रहा है, लास्ट वाला मायने रखता है किस में जा रहा है। तो हमको लोकेशन पे नहीं भी क्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोहन के क्या नाम लिखे थे तो यहाँ पे रमन लिखे थे, रमन को पेस्ट कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि अब इसको ढूंढेंगे, सेव एज का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को, कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ पे रमन भी आ गया, डॉक्यूमेंट में हम गए हैं, डॉक्यूमेंट में है ना, रमन भी आ गया, सोहन भी आ गया, मोहन भी आ गया, इससे स्पष्ट हो रहा है सेव एज से हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं, डुप्लीकेट फाइल को बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फाइल में ओपन के बारे में, तो चलिए इसको पहले हम क्रॉस कर देते हैं, सभी चैप्टर को बंद कर देते हैं, सभी को बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे ये भी ओपन है तो बंद कर देंगे। अब पुनः हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे,
फिर नया सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नया तरीका से फिर स्टार्ट कर दिए हैं। किसको ओपन किए? एमएस वर्ड को ओपन कर दिए हैं, और एमएस वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे तो सेव एज तो हम लोग कर लिए। अब ओपन करना है हमको, क्या करना है? ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो पुराना फाइल, जो फाइल सेव कर लेते हैं उसको ओपन करना होता है। तो आपको क्वेश्चन ये आ जाता है, आपको कोई पूछ देंगे पुराने फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में पुराने फाइल को कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए? तो आप लोग को सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। क्या करना है? एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन कर लिए, उसके बाद फाइल में जाना है, ओपन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए उसका काम पड़ जाएगा, हमको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट को जैसे ही करेंगे क्लिक डॉक्यूमेंट पे, तो मोहन नाम से हम सेव किए थे, तो मोहन पे क्लिक करेंगे ओपन कर देंगे, तो मोहन का फाइल ओपन हो गया। हो गया कि नहीं? तो क्या बोले थे, मोहन में सोहन तभी सेव हो गया था, इसीलिए यहाँ पे सोहन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मोहन दिख रहा है, मोहन ऊपर वाला में दिख रहा है, तो इसका मतलब है मोहन नाम से सेव। क्लियर हो गया? फिर आपको इच्छा है फाइल में जाए ओपन करें पुराने फाइल को, तो रमन को ओपन कर ले, रमन को सेलेक्ट करेंगे ओपन कर देंगे। तो रमन में भी वही चीज है, लेकिन नाम चेंज हो गया, यहाँ पे रमन हो गया, पहले सोहन था, अब क्या हो गया? रमन। और यहाँ पे लिखा भी गया रमन नाम से ओपन हो चुका है, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग चलते हैं फाइल में क्लोज के बारे में। क्लोज से हम लोग जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। जैसे चैप्टर क्लोज होगा, देखिएगा क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडोज, ये पूरा पैकेज नहीं क्लोज हुआ, ये सिर्फ आपका फाइल बंद हुआ, ठीक है? फाइल बंद हुआ है तो ये देखिएगा कुछ काम करेगा ही, कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इससे हम लोग इस ऑप्शन से हम कोई भी फाइल को बंद कर सकते हैं। एक होता है पैकेज क्लोज करना, पैकेज का मतलब हो गया ये टोटल चैप्टर ही बंद कर देना, तो क्लोज करेंगे तो टोटल बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को इसका प्रयोग नहीं करने के लिए दिया गया है। क्लोज से ये मत सोचिएगा हमको पैकेज क्लोज हो जाएगा, क्रॉस का सिंबल दबाना पड़ेगा, नहीं तो अल्ट के साथ F4 दबाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये शॉर्टकट और कमांड आप लोग को बताएंगे। तो जैसे ही क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये चैप्टर बंद हो गया, आपका फाइल बंद हो गया। पुनः इस चैप्टर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ N दबाना है। कंट्रोल के साथ क्या दबाना है? N। कंट्रोल के साथ N जैसे ही दबाएंगे तो ये चैप्टर फिर ओपन हो जाएगा, तो ये सब एक्टिव हो जाएगा। वो डीएक्टिव रहता है, अब एक्टिव हो गया। क्लियर हो गया?